यूक्रेन और रूस युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों के साथ अब कटनी में भी डीजल और पेट्रोल की कटौती देखने को मिल रही है, जिसके कारण किसानों को मोटर पंप चलाने के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा है। इससे किसानों की खेती प्रभावित हो रही है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में डीजल न मिलने से किसानों में मायूसी छाई है। इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि बुकिंग करने के बाद गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं। इतना ही नहीं, एडवांस पेमेंट देने के बावजूद भी कम मात्रा में पेट्रोल मिल पा रहा है। जो रसिया और यूक्रेन का अभी युद्ध चल रहा है, ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 15-20 एक महीने में खत्म हो जाएगा। उस कारण से जितना रिजर्व इंडिया गवर्नमेंट के पास था वो होल्ड की हुई थी, लेकिन वॉर जब बढ़ा तो धीरे धीरे हमको आपूर्ति वहाँ से बंद हो गई। तो जो इंडिया गवर्नमेंट का भी हमारा रिजर्व था रिफाइनरीज में, दो तीन दिन से सिर्फ एक दिन में 5 लीटर देते थे कार्यालय ग्राम कार्यालय में, और आज से मतलब टोटल बंद कर दिए, मतलब डीजल है ही नहीं है वहाँ। इतना स्टॉक लगभग 2 महीने से चल रहा है ये, और हमने इस महीने में अभी 1 तारीख को इंडेंट लगाया था तो 14 तारीख को माल मिला हमको। 14 दिन 13 दिन हमारा वो पंप ड्राइव था, वो 3 दिन चला, 12 केयर का माल मिला, 20 केयर का लगाने पे 12 केयर का।